हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया था मेरा बुक कलेक्शन। मैं एक बुक रीडर हूँ, बुक लवर हूँ, और आज यहाँ पे लगा है कलिंगा बुक फेयर भुवनेश्वर में एग्जीबिशन ग्राउंड में, तो वो हम मिस नहीं कर सकते। मैं और सस्मिता जा रहे हैं बुक फेयर देखने के लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम अभी आके पहुँच चुके हैं कलिंगा बुक फेयर, इस तरफ है, तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या स्टॉल से क्या क्या बुक्स मिल रहा है। चलो चलते हैं। ये योगा फॉर आइज सेंटर का एक पेपर दिया है इन्होंने, और यहाँ पे इनका एड्रेस है, आप देख सकते हैं। तो इनका कहना ये है कि मतलब 2-3 महीने में ये पूरा आपका जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पावर है वो ठीक कर देंगे, कोई सर्जरी या फिर कॉन्टैक्ट लेंस चश्मा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बाद में। अच्छा है। तो ये है दिल्ली बुक्स, अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे मेनली उड़िया बुक्स हैं, और पापा ने बोला था चाणक्य नीति उड़िया वर्षन लाने के लिए, तो यहाँ पे एक है, उसको सस्मिता चेक कर रही है, अगर अच्छा लगेगा तो लेंगे। ये वाला बुक हम लेंगे, चाणक्य नीति, पापा के लिए। ये है गणेश चूरन, यहाँ पे वैरायटी के चूरन मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक की कॉफ़ी फ्रूट जूस का स्टॉल है, यहाँ पे कुछ है नहीं देखने के लिए। तो ये पीछे जो दुकान है ये बेच रहे हैं दो तेल, ठीक है, एक है जॉइंट पेन के लिए, उसको ठीक करता है, और दूसरा है हेयर फॉल कम करता है। ये उड़ीसा में जो जगह है पिपली, वहाँ का प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट, और दोनों ही तेल का कॉस्ट 300 रुपीज़ पर बॉटल है। ये है स्वदेशी दुकान, कंधमाल जगह है उड़ीसा में, जहाँ का कुछ प्रोडक्ट्स फेमस होता है, एक है टर्मरिक और बाकी सारी चीज़ें, तो यही बेच रहे हैं ये लोग। तो यहाँ से हमने 1 kg टर्मरिक लिया और 1 kg रागी। टर्मरिक का कॉस्ट था 200 रुपीज़ और रागी का कॉस्ट था 50 रुपीज़ पर kg। तो ये है सुजीत बुक स्टोर, यहाँ पे ओल्ड बुक्स भी मिल रहा है शायद, 50% ऑफ ये सब लिखा है, मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत से कलेक्शंस होगा जिसकी मुझे तलाश है, इसके अंदर जाके देखते हैं। चलो, मोस्टली नॉवेल्स हैं यहाँ पे इस साइड में। तो ये जो एक बुक है, मैं इसको कब से ढूंढ रहा था, फाइनली मिला है, और इसमें 50% ऑफ है। ये है ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजर्ड बाय मार्क मिनर्विन, ये एक फेमस ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग चैम्पियन है यूएस के, और इनके बुक में ही इन्होंने बहुत अच्छे से चार्ट्स और ये सब एक्सप्लेन किया है। इनको मैं फॉलो करता हूँ, वीडियोज़ बहुत देखे हैं, बुक नहीं पढ़ा था इनका, ये बुक लेने का सोच रहा हूँ मैं। बहुत वैरायटी के बुक्स हैं इनके पास। ये एक और बुक मेरे नज़र में आया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये है श्री बुक स्टोर, यहाँ पे ओल्ड बुक्स मिल रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं। फाइनेंस ऊपर है भाई, को फाइनेंस ऊपर है, फाइनेंस MBA। मैं
यहाँ पे बहुत सारे फेमस बुक्स हैं, उनका नाम आपने देखा होगा। एक और सेकेंड हैंड बुक स्टोर है, यहाँ पे भी है अच्छे अच्छे बुक्स हैं। और ये जो बुक आप देख रहे हैं ये पूरा नया वाला मेरे पास है, पापा ने मुझे खरीद के दिया था जब मैं छोटा था बचपन में। ये बहुत ही अच्छा बुक है, इंसाइक्लोपीडिया, लेकिन आजकल तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ता बुक्स, सब कुछ वीडियोस में ही अवेलेबल होता है, सारे लेटेस्ट नॉलेज हर चीज़ का। अच्छे अच्छे बुक्स हैं यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद आए हैं। वीटग्रास सेल कर रहे हैं, तो वीटग्रास एक चीज़ है जो कि मैं 2018 से खा रहा हूँ और ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो उसी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बस ज़्यादा लोग जानते नहीं है इसके बारे में। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही बुक्स है, फिर भी देख लेते हैं कुछ नया होगा तो। यहाँ पे ये है फर्निशिंग हाउस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रहा है, कर्टन्स, वॉलपेपर, सोफ़ा, यहाँ पे कुछ सैंपल लगा रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है, ये कुछ पब्लिशर्स हैं, फेमस पब्लिशर्स। तो अभी तक हम ऑलमोस्ट आधा कवर कर चुके हैं, बाकी आधा देखते हैं अभी। अभी चलते हैं संतोष बुक हाउस में, उसके साइड में भी और एक है, ये भी देख लेते हैं। तो अभी हम जाएंगे ए के मिश्रा एजेंसीज, ये एक फेमस एजेंट मतलब बुक पब्लिशर है उड़ीसा का। ये सेल्फ हेल्प का सेक्शन है, यहाँ के बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं, ये मेरे पास है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, और यू कैन विन पढ़ा है, द सीक्रेट तो बहुत फेमस बुक है, ये भी है, ये भी है। ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बिल्ड करने के लिए, तो जो लोग नहीं भी पढ़ते हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। फिक्शनल बुक से ज़्यादा ये सारे बुक्स आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको आपका माइंड सेट एक्चुअली बहुत इम्प्रूव होगा। ये भी मैंने पढ़ा है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बायोग्राफी सेक्शन है, ये रिलीजियन बेस्ड बुक्स हैं, और इसके पीछे है इंसाइक्लोपीडिया सेक्शन। ये बचपन में मेरा फेवरेट कैटेगरी हुआ करता था बुक्स में, मेनली क्योंकि इसमें बहुत ही कलरफुल पिक्चर से समझाते हैं सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और इजीली आप समझ भी पाओगे अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में। तो ये है बच्चों के डायनासोर वाला बुक, इसमें भी अच्छे अच्छे फोटोज से समझाए, डायनासोर के नाम भी दिए हैं। ये अच्छा है क्योंकि बच्चों को एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होगा को, मतलब कौन से डायनासोर का नाम क्या होता है, क्योंकि मूवीज़ भी तो आते हैं आजकल, तो वो उनको फिर रिलेट कर पाएंगे, तो इनसे उनका एक्चुअली माइंडसेट इंप्रूव होगा और उनको मेमोरी पावर भी इंप्रूव होगा चीज़ें याद रखने का।
और ये है इंसाइक्लोपीडिया स्पेस के बारे में। ये मेरा फेवरेट कैटेगरी पहले भी हुआ करता था, आज भी हुआ है। और ये थोड़ा पूरा बेसिक लेवल है, छोटे बच्चों के लिए। थोड़ा एडवांस चीज़ें दिखाता तो अच्छा होता, शायद होगा कोई बुक यहाँ पे। और ये तो सारे स्कूल बुक्स है, यहाँ कुछ देखने के लिए है नहीं, हमारा तो ख़त्म हो चुका है। बाकी थोड़ा एडवांस बुक्स की तरफ चलते हैं। और ये उड़िया बुक्स का सेक्शन। तो ये जो नेक्स्ट स्टोर है ये डेकोरेटिव आइटम्स 100 पीसेस से भरा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। साईं बाबा, राधा कृष्णा, बुद्धा, गणेशा, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये है वुड पिकर पब्लिशर, ये भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टोर पूरा। चल के देखते हैं क्या सब बुक्स हैं इसमें। ये बहुत ही फेमस बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। ये बहुत पुराना बुक है, एटलीस्ट 15-20 साल पहले का, तो ये बहुत ही फेमस बुक है एक्चुअली। और ये एक बुक है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये जो ऑथर है ये बहुत बड़े मतलब फेमस इंसान है, आप यूट्यूब में इनका नाम सर्च कीजिए, मिचियो काकू, आपको मिलेगा। तो ये बुक मैं लेना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इनका और एक बुक ऑलरेडी मेरे पास है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 10-15% पढ़ा है, बहुत ही मतलब लंबा बुक है, तो उसको पहले ख़त्म करना है और फिर जाके नेक्स्ट वाला लूँगा। ये है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स। और ये जो बुक है टिनटिन, ये एक्चुअली कार्टून भी है, आप चेक कर सकते हैं, मिलेगा आपको। ये बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्टून बुक। आजकल के बच्चे पता नहीं देखते होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मतलब जैसे स्कूबी डू होता है मिस्ट्री सॉल्विंग, और उसके साथ ही एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सब कुछ, तो ये भी उसी तरह का ही है। तो इनका जो मेन कैरेक्टर है वो है टिनटिन, ये आदमी बहुत ही अच्छा है। ये उसके और भी सारे बुक्स हैं यहाँ पे साइड में। और ये है बीके, भारतीय कला प्रकर्षण। और यहाँ का ये जो स्टोर है ये भी लिटरेचर, नॉवेल्स, इन सब से ही भरा है, यहाँ से पता चल रहा है। अंदर चल के देखते हैं। और ये है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, ये कुछ ऐसे कैटेगरी का बुक है जो मेरे इंटरेस्ट एरिया में आता है, देखते हैं क्या है इसमें। और ये है हिंदू माइथोलॉजी का सेक्शन, तो ये कुछ मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ है, यहाँ किसी दूसरे बुक स्टोर में तो मुझे लगता नहीं मैंने ये देखा है। ये बहुत से कैटेगरी का बुक्स है यहाँ पे, वर्ल्ड माइथोलॉजी, स्पिरिट ऑफ इंडिया, और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा हमारा स्टेट, केव टेंपल्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे हैं बुक्स, महाभारत का। तो अच्छा है, जिनको जिन लोगों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आके ये चेक कर सकते हैं। और ये एक अच्छा बुक है, मैंने इसका PDF वर्सन पढ़ा है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, ये बुक आप ज़रूर पढ़िए, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, बहुत ही अच्छा बुक है। ये बुक भी अच्छा ही है, छोटा सा है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये एक बुक है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, जिन लोग को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो लोग ये बुक ट्राई कर सकते हैं। और ये है ऑस्ट्रिच कोलकाता से। ये वाला जो बुक है द गॉड इल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस, ये बुक मेरे पास है, मैंने स्टार्ट ही किया है, थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देगा, मतलब गॉड को आप कैसे देखते हैं। तो जो लोग इस टॉपिक में भी इंटरेस्टेड वो ये बुक ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और ये थिंक एंड ग्रो रिच तो बहुत फेमस बुक है ही, रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस और अच्छा बुक है, सबको रेकमेंड करूँगा, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। ये NCERT
यहाँ पे नहीं जाएंगे हम, कि ये कॉम्पिटिटिव बुक्स का ही मेनली सेक्शन है। और भी कुछ होगा लेकिन बाकी सारे बुक स्टोर्स हैं उनको कवर करना है, तो वो हम स्किप कर रहेंगे। हम ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर जाएंगे और बीके पब्लिकेशंस। और ये फिक्शनल स्टोरी बुक्स में ये मेरा मतलब फेवरेट कैटेगरी है। आगाथा क्रिस्टी ये जो ऑथर है, इनके सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत से पढ़े हैं, 6-7 तो पढ़े हैं और बाकी शायद 40 से ज़्यादा होंगे उनके, इस ऑथर के बुक्स वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनमें से जो नहीं पढ़ा है वो मैं देखता हूँ, कोई एक ले लूँगा। ये मैंने नहीं पढ़ा है आगाथा क्रिस्टी का। तो बुक फेयर हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं, सारे स्टोर्स कवर कर चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। और अभी हम थोड़ा खाना पीना करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम आए हैं खाओ गली में, KBR। यहाँ से हम खा रहे हैं एक चिकन क्रिस्पी रोल। ये दो रोल हमने ऑर्डर किया है। ये एक्चुअली मैंने पहले भी बहुत बार खा लिया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, तो इसीलिए आज मन कर रहा था इसको खाने के लिए, तो इसको मैं ट्राई करूँगा। बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। एक्चुअली क्रिस्पी चिकन डाला है इसमें, तो उसके लिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली सब लोग चिकन टिक्का डालते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए KBR। तो अभी हम वहाँ से रोल खा के घर आके पहुँच चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो हम लाए हैं आज। ये देखिए, इसको उड़िया में कांदुलो बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पिजियन पीस बोलते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने नया देखा, मैंने कभी खाया नहीं है जितना मुझे याद है। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। ये ग्रोथ में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बहुत सारे अलग बेनिफिट्स भी है, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कीजिए, अगर आपके लोकेलिटी में मिलता है तो इसको ट्राई कीजिए एक बार। ये पर केजी रेट था इसका 130 रुपीज़। तो ये था आज का वीडियो, आज मैंने बहुत इन्जॉय किया और उसके साथ बहुत सी यूज़फुल चीज़ें मुझे मिला वहाँ पे बुक फेयर में, बुक्स भी और कुछ फूड आइटम्स भी जो मैंने आपको दिखाया। तो बहुत ही सेटिस्फाइड फील हो रहा है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी चीज़ें हैं। हम इधर इधर के खर्चे तो करते ही हैं, बहुत कॉस्टली चीज़ें खरीदते हैं जो कि ना तो हेल्थ के लिए यूज़फुल होता है ना ही हमारे मतलब फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेकिन बुक्स और हेल्दी चीज़ें खाने में अगर हम उतना ही स्पेंड करेंगे तो हमारा एक्चुअली बेनिफिट होगा। तो आप लोग भी जरूर ये फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।